हेलो फ्रेंड्स, मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं एफएम पिजन्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहारनपुरी कबूतरों का जोड़ा कैसे लगाना चाहिए और कुछ वो बातें डिस्कस करेंगे जो कॉमन मिसकंसेप्शन है सहारनपुरी कबूतरों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक जोड़ा है मेरा और ये मेरा बेस्ट जोड़ा है सहारनपुरी का। और जब ये मैंने जोड़ा लगाया था तो सिर्फ तीन चीज़ें मैंने दिमाग में रखी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन जोड़ा लगाने की तो दोस्तों बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर आप बारीकियां पर जाओगे तो चौंत से लेकर पंजे तक, पर कुंदा, जोड़ हड्डी, सब चीज़ देखी जाती हैं। लेकिन मैं बड़ी तीन बेसिक चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने वो अपने जोड़े में कर ली तो आपके सहारनपुरी जोड़े कामयाब हो जाएंगे। पहला तो दोस्तों वजूद, आपको वजूद पिक करना है। इसी पॉइंट से जुड़ा है दोस्तों पहला मिसकंसेप्शन ये है कि अक्सर आज के दौर में सहारनपुरी कबूतरों में सिर्फ और सिर्फ लोग बाग वजूद देख रहे हैं। तो दोस्तों, चाहता तो मैं इस नर के साथ एक इससे भी ज्यादा खड़ी होने वाली मादा या इसके जितनी खड़ी होने वाली मादा लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाई। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं ऐसा करता तो इनके जो बच्चे निकलते वो बच्चे आउट बैलेंस हो जाते। क्योंकि सहारनपुरी कबूतर के खड़े वजूद की भी एक लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा उसको आप खड़ा कर दोगे ना तो वो कबूतर आउट बैलेंस हो जाएगा, उसकी उड़ान भी कम हो जाएगी और भागने का रेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कबूतर जब भी जोर मारेगा घर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इस कबूतर के साथ ये बैठे वजूद की थोड़ी मादा लगाई। तो पहला काम तो आपको ये करना है, सिर्फ खड़े वजूद के जोड़े नहीं लगाने हैं। नर मादा एक खड़ा ले लो, एक नॉर्मल वजूद का कबूतर रखो। अगर आप दोनों ऊँचे खड़े होने वाले लगा दोगे ना तो बच्चे इनके फिर भागेंगे। दूसरी जो चीज़ मैंने पिक करी दोस्तों इस कबूतर के जोड़ा लगाने में, वो इस कबूतर की आंखें पिक करी। आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद या क्रीम आँख का कबूतर लगाएं और जिसका तिल बारीक हो। तो ये कबूतर मैंने इसमें दूसरी क्वालिटी पिक करी इसके जोड़ा लगाने में, इसकी आँख की। सहारनपुरी कबूतर की आँख ही मायने रखती हैं दोस्तों, तो आँखों को प्रायोरिटी दें जोड़ा लगाने में। फीमेल की भी लगभग वैसी ही आंखें हैं। दूसरी चीज़ जो आपको जोड़ा लगाने में पिक करनी है, जो मैं अक्सर करता हूँ, अपने जोड़े में या तो नरमादा दोनों का ही पता हो कि वे उड़े हुए हैं, उनके बहन भाई उड़े हुए हैं। अगर वे आपके घर की पट्टी पट्टे नहीं हैं तो आपको उस छत से, जिस छत से आप उनको खरीद कर ला रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि उन कबूतरों के रिजल्ट क्या हैं। ये भी बहुत अहम चीज़ है। अच्छी ब्लड लाइन के कबूतरों के बच्चे भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आप शौक करें, जो मैंने जोड़ा दिखाया था आपको उसके ये चार पट्टे हैं। टोटल उसके छः पट्टे निकले थे मेरे घर, छः के छः मैंने उड़ाए। ये चारों भी मैंने सारे उड़ा रखे हैं, अब इनको जोड़े में डालूंगा फर्दर, तो इसलिए कैच कर दिए हैं। और दो पट्टे इसके मेरे एक दोस्त की छत पर चले गए हैं। आप इनका देख लें, ना तो इनके वजूद बिगड़े हैं और उड़ान, ये मेरे लॉफ्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली सहारनपुरी फैमिली है। तो ना तो इनके वजूद खराब हुए हैं, ना ही इनकी आंखें खराब हुई हैं और ना ही इनकी उड़ान और शान पर कोई फर्क पड़ा है। वो सिर्फ इसलिए कि दोस्तों वजूद के पीछे नहीं भागा मैं, मैंने अपने इन सहारनपुरी कबूतरों का एक नॉर्मल वजूद रखा जो होना चाहिए, बस उतना कि ये आउट बैलेंस ना हो जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने बस तीन ही बातें आपको बताई हैं। पहला तो ये कि आपको बिल्कुल खड़े वजूद के पीछे नहीं भागना है। खड़े वजूद के जोड़े लगा दोगे तो बच्चे नहीं रुकेंगे, आप रोक ही नहीं पानेगे उनको। और आंखों पर आपको ध्यान देना है, कोशिश ये करें कि सहारनपुरी कबूतर की आंखें साफ ही हों बिल्कुल। और तीसरा ये कि जहाँ से आप नया जोड़ा कोई खरीद के ला रहे हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।